हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि होटल और रेस्ट में वेजिटेबल दीवानी हंडी कैसे बनाते हैं। वेजिटेबल दीवानी हंडी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है, आप इसको इजीली घर पर बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो ही आज की रेसिपी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस आपने वीडियो जो है वो बिना स्किप किए देखना है। अगर आप वीडियो को आगे कर करके देखते हैं तो उससे वीडियो की टाइमिंग गिर जाती है और मेरी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले वेजिटेबल ली है, कैरेट, बीन्स, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर के जो डंठल होते हैं उनको अपने हटा देना है, खाली फूल ही फूल काटने हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पनीर लिया है, फ्रोजन अमेरिकन कॉर्न का यूज किया है, ग्रीन पीस और ब्रीक कटा हुआ। यहाँ पे मैंने पालक लिया है, देखिए पालक को ऐसे आपने अच्छे से धो के ब्रीक काट लेना है। और साथ में दो मीडियम साइज के प्याज और चार टमाटर, थोड़े से काजू लिए हैं। तो ये जो प्याज है इसको आपने एकदम फाइन स्लाइस काट लेना है, क्योंकि इसको अभी हम आगे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ऐसे आपने प्याज को काट लेना है और जो टमाटर है इनकी आपने प्यूरी कर लेनी है। तो देखिए ऑयल हमारे यहाँ पे हीट हो चुका है, प्याज को हमने फ्राई करने के लिए डाल देना है। तो जब भी आप प्याज को फ्राई करें ऑयल का टेम्परेचर मीडियम रखें, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ऑयल में अगर आप प्याज को फ्राई करने के लिए डालोगे तो प्याज के अंदर मॉइस्चर रहता है, उससे क्या होता है ऑयल कढ़ाई के बाहर आ जाता है। और ये देखिए बीच बीच में आपने प्याज को हिलाते रहना है। तो ये देखिए गोल्डन कलर आने तक आपने प्याज को फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को। अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो उससे खाने में कड़वाहट आ जाती है। तो अभी हम इसी ऑयल के अंदर वो काजू लिए थे उनको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। काजू फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए काजू को आपने ऐसे फ्राई करना है, हल्का हल्का सा आपने इनको हिलाते रहना है। देखिए ये कलर आने तक आपने काजू को भी फ्राई कर लेना है। फिर हमने जो वेजिटेबल ली थी इनको भी हम फ्राई करेंगे, क्योंकि जो सब दीवानी हंडी होती है उसमें फ्राइड वेजिटेबल का यूज़ किया जाता है। अगर आप फ्राइड वेजिटेबल नहीं खाना चाहते हैं तो आप इनको बॉयल भी कर सकते हैं या फिर आप इनको ग्रेवी के साथ भी कुक कर सकते हैं। पर जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए सब्जियों को आपने ऐसे फ्राई कर लेना है। अब फ्राई कितना करना होता है, आपने 50-60% तक वेजिटेबल को फ्राई कर लेना है, बाकी वेजिटेबल की जो कुकिंग है वो ग्रेवी के साथ करेंगे। तो ये देखिए अच्छा कलर आ रखा है सब्जियों में, अभी हम इनको निकाल लेते हैं। वैसे आपने कॉलीफ्लावर को भी फ्राई कर लेना है। और एक बात, वेजिटेबल को आप जब भी फ्राई करें ऑयल का जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए, हाई टेम्परेचर में वेजिटेबल को फ्राई किया जाता है, उससे वेजिटेबल में क्रंच भी बना रहता है और इनका जो कलर है वो भी ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए कॉलीफ्लावर को भी हमने अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लिया है। अब बचे हमारे अमेरिकन कॉर्न और ग्रीन पीस, ये ऑप्शनल है, इनको आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। बट इनको फ्राई करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखें कि ये फटते बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको आपने हल्का सा ही फ्राई करना है। देखिए ऐसे, तो हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, मैंने सारी वेजिटेबल को फ्राई कर लिया है। अब ये जो हमने ब्राउन ऑनियन और काजू को फ्राई किया था इसका हमने एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। साथ में इसके एक बड़ा चम्मच दही ऐड करेंगे, दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी के साथ ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। तो इनका हमने एकदम फाइन प्यूरी कर लेना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने ऑनियन का जो पेस्ट है वो बना के तैयार कर लिया है। अभी जो हमारा जो मीज़ा था वो पूरा हो चुका है। यहाँ पे ब्राउन ऑनियन पेस्ट, टमाटो प्यूरी, ये सारी जो सब्जियां थी इनको मैंने फ्राई कर लिया है। और ये जो काजू आलमंड और पालक बचा है इसका यूज़ हम रेसिपी के लास्ट में करेंगे, वो कैसे करेंगे वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 2-3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को थोड़ा सा हीट होने देंगे। फिर इसमें थोड़े से होल स्पाइसेस जैसे कि बे लीफ, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी ऐड करेंगे, इसमें एक बड़ी इलायची डालेंगे, 2-3 छोटी इलायची ऐड करेंगे और 2-3 इसमें लौंग ऐड करेंगे। बस इतने होल स्पाइसेस काफ़ी हैं फ्लेवर के लिए। तो देखिए स्पाइसेस को थोड़ा सा तिड़कने देना है। फिर इसमें आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैं यहाँ पे बटर ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए मसाले अच्छे से यहाँ पे तिड़क चुके हैं। फिर एक छोटा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब पेस्ट को हमने मीडियम फ्लेम में अच्छे से पका लेना है। अब जब भी पेस्ट को पकाएं गैस की फ्लेम मीडियम रखें, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आप पेस्ट को पकाओगे तो पेस्ट एकदम से जल जाता है। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया मैंने यहाँ पे, और आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर डालेंगे और साथ में मसालों के पानी भी ऐड कर देंगे। पानी मैंने तो डाला है ताकि मसाले जो हैं वो जले ना और अच्छे से पकें। तो मीडियम फ्लेम में मसालों को भी आपने अच्छे से पका लेना है। अब तब तक पकाना है मसालों को जब तक मसाला दानेदार ना हो जाए। तो
वह देखिए मसाले यहाँ पे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके अंदर हमने टमाटो प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर देनी है। और जब भी आप तड़के में टमाटर डालें तो साथ में सॉल्ट जरूर डालें, नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। तो टमाटरों को हमने तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से ऑयल ना छोड़ते हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप टमाटरों को कवर करके भी पका सकते हैं। तो ये देखिए टमाटर मसालों के साथ अच्छे से यहाँ पे पक चुके हैं, अच्छे से ऑयल छोड़ दिया टमाटरों ने। अब हमने ब्राउन ऑनियन और काजू का जो पेस्ट बनाया था वो भी ऐड कर देना है इसके अंदर। अब हमने ब्राउन ऑनियन पेस्ट को भी अच्छे से पका लेना है। वैसे तो ब्राउन ऑनियन का जो पेस्ट होता है वो पका ही रहता है, बट मसालों के साथ थोड़ी देर पकाने से ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं पेस्ट और मसाले और टमाटर हर चीज़ अच्छे से यहाँ पे पक चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ करें जब भी आप ग्रेवी में पानी डालें, क्योंकि अगर हम पके हुए खाने में ठंडे पानी का यूज़ करते हैं तो उससे खाने का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। तो अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसमें वेजिटेबल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी फ्राई की हुई वेजिटेबल ऐड कर दी है, काजू बादाम और पालक बचा है उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो वेजिटेबल को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमारी जो वेजिटेबल है वो 60-70% तक कुक हुई है, इसको हम ग्रेवी के साथ पकाएंगे। पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनको कवर कर देंगे, 5-7 मिनट तक इनको कवर करके पकाएंगे। तो ये देखिए सब्जी हमारी यहाँ पे अच्छे से पक चुकी हैं। अब ऐसा नहीं है कि 5-7 मिनट के लिए कवर कर दिया तो बीच में हिलाना नहीं है वेजिटेबल को, बीच बीच में आपने सब्जी को पलटी करते रहना है ताकि सब्जी जो है वो कढ़ाई के नीचे से जले ना। तो अभी हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी नाम मात्र शुगर डालनी है अपने इसमें। थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा आपने इसमें गर्म मसाला पाउडर डालना है। वैसे सब दीवानी हांडी में मसालों का ज़्यादा फ्लेवर नहीं रहता है, पर थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं। और 1-1.5 चम्मच इसमें क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इसकी जगह दूध की मलाई को अच्छे से व्हिप्ड करके सब्जी में डाल सकते हैं। और क्रीम डालने के बाद आपने सब्जी को ज़्यादा पकाना नहीं होता है। अगर आप क्रीम डालने के बाद सब्जी को ज़्यादा पकाएंगे तो क्रीम क्या करती है, खाने से ऑयल को रिलीज कर देती है। तो ये देखिए लगभग हमारी सब दीवानी हांडी बनके तैयार हो चुकी है, बस वो लास्ट वाला तड़का बचा है। तो इसको कवर करके छोड़ देंगे और एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है। आप ऑयल की जगह देसी घी भी डाल सकते हैं इसमें, और साथ में काजू और वो बादाम लिए थे वो ऐड कर देने हैं। इनको हमने मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से शैलो फ्राई करना है यहाँ पे। जैसे इनमें हल्का सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसमें जो पालक हमने काट के रखा था उसको ऐड कर देना है। और हाई फ्लेम में हमने पालक को थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास पालक ना हो तो आप इसकी जगह कसूरी मेथी बिना रोस्ट की हुई या फिर ब्रीक कटा हुआ धनिया इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने आपको ऑप्शन दिए अगर आपके पास पालक ना हो, वैसे तो इसमें पालक ही जाता है। तो देखिए पालक को मैंने यहाँ पे अच्छे से पका लिया है, इसको भी हम तड़के को सब्जी के साथ मिक्स कर देंगे। तो ये बन गई हमारी सब्जी दीवानी हांडी रेस्टोरेंट और होटल स्टाइल। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, बहुत ही बढ़िया खाने में लगती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स।